नमस्ते, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात का स्पेशल खट्टा ढोकला। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप अरहर दाल और 1 कप चावल। सारी दालों को एक बोल में डालना है। और चावल को अलग बोल में सबको अच्छे से वॉश करें और पानी डाल के रात भर भिगो कर रख दें। ये दाल और चावल भीग गए हैं। अब इनको अलग अलग पीस कर मिला लें और स्मूथ बैटर बना लें जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए खमीर उठाने के लिए रख दें। ये देखिए खमीर उठ गया है इसमें। अब इसमें 1/2 कप खट्टा दही, 4 कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई लहसुन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें 1/4 टीस्पून सोडा डालकर अच्छे से मिला लीजिए। एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लें और थोड़ा बैटर इसमें डाल दें। स्टीमर में पानी गर्म करें और उस पर यह प्लेट रख दें। ऊपर से नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च इस पर बुरक दें और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने के लिए रख दें। यह देखिए ये अच्छे से स्टीम हो गया है। टूथपिक पर चिपका नहीं है। इसे आप कट करके ऑयल डालकर सर्व करें और इस स्वादिष्ट खट्टे ढोकले का आनंद उठाएं। थैंक यू।